जस्ट 15 मिनट के अंदर अंदर फ्री में एक ब्लॉग रीड कर पाएंगे चैट जीपीटी के थ्रू। जस्ट एक कीवर्ड प्रोवाइड करके फ्री में आप अपना पूरा ब्लॉग लिख पाएंगे जस्ट वन क्लिक के अंदर, एंड देन सिंपली उसे कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉगर के अंदर डाल देना है और यहाँ से आप एडसेंस के थ्रू इजिली अर्निंग कर पाएंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजिटल वैगन यूट्यूब चैनल। आज की भी इस वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी खुद की ब्लॉग वेबसाइट ओपन करके उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि 15 मिनट में आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी, बट 15 मिनट में आप कैसे आपकी खुद की ब्लॉग बना पाएंगे बिल्कुल फ्री में। आपको किसी को कोई पैसे नहीं देना है, किसी को कोई चार्ज नहीं देना है। आप 15 मिनट के अंदर ब्लॉगर के अंदर कैसे फ्री वेबसाइट बना सकते हो। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कंटेंट कहाँ से ढूंढना है, कीवर्ड रिसर्च आपको यहाँ पर खुद ही करना पड़ेगा। वो सब मैं इस वीडियो में लिमिटेड टाइम के लिए 15 मिनट के अंदर सभी चीजें नहीं बता पाऊंगा। तो कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपको कंटेंट कैसे लिखना, वो सभी किसी चीजें आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा। तो हम वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजिटल वैज्ञानिक यूट्यूब चैनल वेयर वी टॉक अबाउट साइंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एंड माय नेम इज मानविंद चौधरी एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। और आज की इस वीडियो में देख रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग वेबसाइट फॉर फ्री इन जस्ट 15 मिनट्स। सो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर एक चीज सर्च कर रहा हूँ जिसका नाम है blogger.com। तो यहाँ पर मैंने ब्लॉगर करके सिर्फ सर्च किया, उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले लिंक मिल जाएगी जिसका नाम है blogger.com। आपको सिंपली इस लिंक के ऊपर blogger.com यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर पब्लिश योर पैशन योर वे क्रिएट यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग इजिली, आपको इस तरह का होम पेज देखने को मिल जाएगा। देन आपको सिंपली क्रिएट योर ब्लॉग इस बटन पर सिंपली इस तरह से क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके जीमेल अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली मेरा जीमेल अकाउंट से यहाँ पर सिंपली साइन इन कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। ओके, तो आप यहाँ पर जैसे ही देख सकते हैं मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको आपके चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग, आप यानी कि आपको आपके ब्लॉग का नेम सबसे पहले चूज करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेस्ट ट्रेवल डेस्टी। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बेस्ट ट्रेवल डेस्टिनेशन, इस तरह से मैंने मेरे ब्लॉग का नेम रख दिया है। एंड देन मैं सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। अब आपको यहाँ पर आपके ब्लॉग का डोमेन नेम जो चूज करना पड़ेगा। तो वही भी एक बार को मैं ट्रैवल वाला ट्राई कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने मेरे ब्लॉग का नेम यूआरएल लिया बेस्ट ट्रैवल डेस्टी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आने ही वाला है। तो मैं सिंपली यहाँ पर मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। एंड देन आपका यहाँ पर आपको नेम कौन सा, यानी कि इस नाम से आप ब्लॉग लिखना चाहेंगे, यानी कि आपको आपका नेम देना है, यानी कि ऑथर का नेम जो होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा नेम यहाँ पर लिख दिया मैन। देन सिंपली आपको यहाँ पर फिनिश के बटन पर क्लिक कर देना है। अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है, जिसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर स्टैट दिखते हैं कितने लोग आपकी वेबसाइट पर जा रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं। देन आपको यहाँ पर कमेंट दिखेगी, यहाँ पर आपको जो अर्निंग दिखेगी जो कि आप एडसेंस के थ्रू अर्निंग करेंगे वो दिखेंगे। आपको यहाँ पर आपके पेजेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी और बाकी सभी पेजेस को क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आप एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर पाए। और ये सभी चीजें आप कैसे क्रिएट कर पाएंगे, कहाँ मिलेगी, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, नो टेंशन। देन आपको यहाँ पर एक लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको लेआउट का आपको कैसे चूज करना है, कहाँ आपके जो मेन्यू आएंगे, कहाँ अबाउट मी, कहाँ अबाउट अस सेक्शन, सभी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देन आपको यहाँ से एक थीम का ऑप्शन देखने को मिल रहा, जहाँ से आपको आपका जो थीम चूज करना है, आप यहाँ चाहे तो ये वाला थीम मेरा अभी लिया हुआ है, उसके अलावा आप चाहे तो यहाँ से कोई भी थीम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। अब ये सभी चीजें मैंने ऑलरेडी एक कोर्स के फॉर्म में क्रिएट करके रखी, डोंट वरी, कोर्स पेड नहीं है, कोर्स बिल्कुल फ्री है। और उस प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन, दोनों ही जगह मैंने देकर रखा है। उस प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट ब्लॉगर का कोर्स कवर करके रखा है। देन आपको यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट कैसे लिख ली, ये सभी चीजें मैंने उस प्लेलिस्ट में बताकर रखी है। आपको यहाँ पर न्यू जो चीज आई है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको आर्टिकल लिखना है। वैसे पहले क्या होता था कि मैं आपको बताता कि आपको मैनुअली सभी चीजें लिखनी है, बहुत सारे लोग आर्टिकल स्पिनर यूज करते थे, बट अभी जमाना है एआई का, तो एआई के थ्रू कैसे आपको सिर्फ कुछ ही क्लिक्स के अंदर आर्टिकल मिल जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है सिंपली चैट जीपीटी के अंदर। आपको पता नहीं है कि चैट जीपीटी क्या है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि मैंने ऊपर आई बटन में कहीं ना कहीं दे रखी हुई, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई। आपको वहां पर सिंपली चैट जीपीटी पर चले जाइए, उसके बाद आपको ये वाला एक क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम ये है। तो इसको मैं एक बार मेरे, आप अगर यहाँ पर क्रोम के ऊपर जाएंगे तो आपको ये वाला क्रोम एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है
AIPRM for ChatGPT। आपको अगर ये वाला इंस्टॉल करें तो आपको यहाँ पर एड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा। आपको सिंपली एड टू क्रोम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट आएगा, वहां पर एड के बटन पर क्लिक कर देना और ये एड टू आपके क्रोम के अंदर एड हो जाएगा। देन सिंपली इसे बंद करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको आपके कीवर्ड रिसर्च कर लेने, कौन से कीवर्ड के ऊपर आप लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पर एक ट्रैवल ब्लॉग है, बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन। तो अगर आपको यहाँ पर मैं मेरी वेबसाइट दिखा दूँ कि कैसी दिखती है, तो मैं सिंपली यहाँ पर व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूंगा और फिलहाल हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की नजर आ रही है दिखने में। तो मैं सिंपली हमारा एक यहाँ पर ह्यूमन रिटर्न 100% SEO यूनिक आर्टिकल जनरेटर, इस तरह से यहाँ पर मैंने लिखा है फुल्ली SEO ऑप्टिमाइज, ये मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, सर्च के बटन पर क्लिक करके ब्लॉग यहाँ पर सर्च करूंगा। राइट SEO आर्टिकल 100% ह्यूमन कंटेंट स्कोर कीवर्ड रिच कंटेंट, इस पर मैंने क्लिक किया। आप चाहें तो कोई भी अदर टेम्पलेट भी ले सकते हैं, बट मैंने ये वाला टेम्पलेट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो ये वाला टेम्पलेट लिया। अब मैं कीवर्ड यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल चूज कर रहा हूँ बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन, तो मैं अहमदाबाद में अंदर रहता हूँ तो मैं अहमदाबाद चूज करूंगा, अहमदाबाद बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन अहमदाबाद। तो मैं यहाँ पर सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ यहाँ पर ऊपर है और मैंने सिंपली एंटर के बटन पर क्लिक कर दिया है और जितना भी पूरा कंटेंट है चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली हमारे लिए लिख देगा। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ अभी ऊपर ही है, मैं इस तरह से यहाँ पर बैठा हुआ और हमारा ये काम यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो एक बार लिखना यहाँ पर कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आगे का स्टेप बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते मेरे को एक चीज याद आई कि आप वीडियो को लाइक करते नहीं है, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आप आगे किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है, कोई और चीजें हैं, प्लस वो जो मैंने ब्लॉगर कोर्स की प्लेलिस्ट दे रखी उस भी जरूर एक बार चेकआउट कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम दे रहा है, आपको थीम चेंज करना है, आपको सेटिंग कौन सी रखनी है, आपको ब्लॉगर का SEO करना है, हर चीज के बारे में मैंने उस प्लेलिस्ट के अंदर बात करके रखी, उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही बातें, बढ़ते हम आगे वीडियो की तरफ। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरा आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका और इसने थोड़ा सा स्टॉप लिया था, जो कि यहाँ पर अक्षरधाम के बाद ये स्टॉप हो गया था कि भाई अब बस हमारा हो गया। तो मैंने सिंपली क्या किया कि कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दिया एंड देन यहाँ पर सो श्योर माय अपोलॉजीज फॉर द कंफ्यूजन एंड देन इसने अक्षरधाम से यहाँ पर कंटिन्यू करके मुझे यहाँ पर कंप्लीटली कंक्लूजन तक यहाँ पर इसने लिख के दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये पूरा आर्टिकल इस तरह से यहाँ पर लेना है एंड कंप्लीट आर्टिकल मुझे जस्ट इस तरह से, मैं सबसे पहले तो नोट पैड के अंदर एक कॉपी कर लेता हूँ, देन इतना छोड़ने के बाद मुझे यहाँ पर 8 नंबर से वापिस यहाँ पर कंटिन्यू करना है एंड देन ये मैंने यहाँ पर नोटपैड में लिया। अब मैं सिंपली यहाँ पर वर्ड काउंटर के अंदर आ जाता हूँ, wordcounter.net, अगर आपको पता नहीं है तो इसमें आप वर्ड्स और कैरेक्टर सभी चीजें काउंट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर कॉपी करके इस तरह से मैंने ऐसे पेस्ट करे, तो आपका यहाँ पर लगभग 812 वर्ड्स का आर्टिकल यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब आगे इसमें आपको क्या करना है वो सब मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, ब्लॉग पोस्ट के अंदर आना है, फिर आपको यहाँ पर एड पोस्ट के बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ पर ये हमारा इतना आ जाएगा, देन आर्टिकल में लिखना है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन अहमदाबाद 2023। अब यहाँ पर इसने हमारा सारा का सारा आर्टिकल जो लिख कर दिया है उसे हम एक एक करके यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं कहाँ कोई गलती है। वैसे आपको इसे इस तरह से पेश नहीं करता ना, अगर आप चाहें तो इसे और भी ज्यादा ऐसे ऑप्टिमाइज्ड कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, पैराग्राफ से निकालकर हेडिंग में डाल देना है, उसके अंदर आपको इस तरह से, यानी आपको सभी के सभी इस तरह से आपको हेडिंग क्रिएट कर देनी है। तो मैं सिंपली एक बार हेडिंग सभी के सभी चीजों को हेडिंग बना देता हूँ, उसके बाद आगे आपको मिलता हूँ क्या करना है आपको। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ कि हमारा आर्टिकल अभी फिलहाल कैसा दिखने में लग रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन अहमदाबाद 2023, आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह का आर्टिकल देखने को मिल रहा है। अब मैं इसमें थोड़े और इंप्रूवमेंट करूंगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करके एडिट में आ जाता हूँ, देन मैं थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट करके आपको बताता हूँ कि आगे हमारा आपको किस तरह से इंप्रूवमेंट करना है। आप इससे भी इसे देखते जाइए, जो चीजें मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं मेरा बोलना बंद करता हूँ और इस चीज को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा थोड़ा सा।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर काफी सारे इंप्रूवमेंट, मतलब इन शॉर्ट लाइंस को थोड़ा सा छोटा किया है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया है, बट आपको इस तरह से यहाँ पर थोड़ा बहुत और चीजें देख लेनी है। आपको यहाँ पर फैक्ट चेक कर लेना कि ये जिसने लिखा है वो सब सही है नहीं। कुछ चीजें ऐसी जैसे कि इसने ईयर्स का मेंशन किया, कुछ ऐसी चीजें जो मतलब किलोमीटर्स के साथ ऐसी चीजों को मेंशन कर रखा हो, तो आपको उन चीजों को यहाँ पर करेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देखिए आर्टिकल कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर आप इमेजेस को भी ऐड करना पड़ेगा, आपको एक दो इमेजेस यहाँ पर इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए, कॉपीराइट फ्री इमेजेस आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो वो सभी कंप्लीट करने के बाद आपको आपका आर्टिकल यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो आज की वीडियो हमने सीखा कि कैसे आप जस्ट 15 मिनट के अंदर अंदर फ्री में एक ब्लॉग क्रिएट कर पाएंगे चैट जीपीटी के थ्रू। जस्ट एक कीवर्ड प्रोवाइड करके फ्री में आप अपना पूरा ब्लॉग लिख पाएंगे जस्ट वन क्लिक के अंदर, एंड देन सिंपली उसे कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉगर के अंदर डाल देना है, और यहाँ से आप एडसेंस के थ्रू इजिली अर्निंग कर पाएंगे। तो ये पूरा ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा दोस्तों, वीडियो में कमेंट के जरिए जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को बिल्कुल मिस ना कर सकें। और तो और दोस्तों मैंने जिस ब्लॉगर कोर्स के बारे में बात करी थी उसका आई बटन के अंदर और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों ही जगह मैंने लिंक देकर रखा है, और बाकी जो एक दो चीजों के बारे में बात करी उनकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।